आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी, दूसरी बार राज्य की कमान संभालेंगे। शाम 4:30 बजे विधानसभा बिल्डिंग के आगे होगा शपथ ग्रहण समारोह, गवर्नर वजूभाई वाला दिलाएंगे शपथ। सीएम और डिप्टी सीएम समेत 34 मंत्री लेंगे शपथ, कांग्रेस कोटे से 22 और जेडीएस कोटे से 12 विधायक बनेंगे मंत्री। 24 मई को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेंगे कुमारस्वामी, हालांकि गवर्नर ने दिया है 15 दिन का वक्त। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष जी परमेश्वर बनेंगे डिप्टी सीएम, सूबे के कांग्रेस प्रभारी के सी वेणुगोपाल ने की पुष्टि। मंत्रालय के बंटवारे पर फ्लोर टेस्ट के बाद होगा फैसला, कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर होंगे कांग्रेस के आर रमेश कुमार। शपथ ग्रहण समारोह के बहाने विपक्ष करेगा शक्ति प्रदर्शन, राहुल, ममता, अखिलेश और मायावती समेत 11 बीजेपी दलों के सीएम भी पहुंचेंगे। कुमारस्वामी ने कहा बीजेपी छोड़ हर पार्टी के नेताओं को शपथ ग्रहण का न्योता दिया गया, देश भर से आएंगे लोग। कर्नाटक के प्रसिद्ध श्रृंगेरी मठ पहुंचे कुमारस्वामी, मंजुनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन किए। कुमारस्वामी को बधाई देने बंगलुरु पहुंचे तेलंगाना के सीएम केसीआर, हैदराबाद में अहम मीटिंग की वजह से शपथ ग्रहण में नहीं होंगे शामिल। डीएमके नेता स्टालिन भी कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण में नहीं आएंगे, तूतीकोरन में पुलिस झड़प में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने जाएंगे। अशोक चव्हाण ने कर्नाटक में एक मंच पर विपक्ष के एकजुट होने को सही ठहराया, कहा 2019 का चुनाव बीजेपी वर्सेस बाकी पार्टी होगा। बीजेपी आज कर्नाटक में मनाएगी काला दिवस, कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को जनादेश के खिलाफ बताया, गांधी मूर्ति के आगे प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे येदियुरप्पा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा विपक्ष के एकजुट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2019 में मिलेगी ज्यादा सीटें। कर्नाटक के विजयपुरा में वीवीपैट मशीन मिलने पर येदियुरप्पा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी, विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कुमारस्वामी की शपथ पर रोक लगाने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार किया, हिंदू महासभा ने दाखिल की है याचिका। आज सुबह 10:30 बजे मोदी कैबिनेट की होगी बैठक, पेट्रोल डीजल के दामों पर हो सकती है चर्चा। मोदी सरकार के 4 साल पर मेगा जश्न की तैयारी, 26 मई से 11 जून तक देश भर में कार्यक्रम करेगी बीजेपी। 26 मई को दिल्ली में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जश्न की शुरुआत, सरकार की चौथी वर्षगांठ पर ओडिशा में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। राहुल गांधी ने कांग्रेस संगठन में किया बड़ा बदलाव, रजनी पाटिल को हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया, जितेंद्र बघेला और विश्व रंजन गुजरात के सचिव बने। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार कमेटी के हेड होंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने स्थानीय चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों को धमकी मिलने का आरोप लगाया, दूसरे राज्य में भाग रहे कार्यकर्ता। बंगाल हिंसा पर एनएचआरसी के सवाल उठाने पर बोले केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, 1 घंटे तक हाथ पर हाथ धरे खड़ी थी पुलिस, ममता पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। कैराना उपचुनाव का प्रचार करने पहुंचे योगी का अखिलेश पर बड़ा हमला, कहा मुजफ्फरनगर दंगों के खून से रंगे हैं अखिलेश के हाथ। कैराना लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार तेज, आरएलडी ने जिन्ना नहीं गन्ना का नारा दिया। आज महाराष्ट्र के पालघर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करने जाएंगे सीएम योगी, विरार में रैली को करेंगे संबोधित। शिवसेना ने भी पालघर उपचुनाव में झोंकी पूरी ताकत, आज नाला सोपारा में उद्धव ठाकरे भी करेंगे जनसभा। महाराष्ट्र में उपचुनाव और विधान परिषद चुनाव को लेकर शिवसेना बीजेपी की तल्खी बढ़ी, बीजेपी ने धोखा देने का आरोप लगाया, शिवसेना का पलटवार। देश के हालात पर चिट्ठी लिखने वाले आर्क बिशप अनिल कटू की सफाई, कहा किसी दल के लिए नहीं देश के फायदे के लिए चिट्ठी लिखी। आर्क बिशप ने कहा देश में हालात अच्छे हों इसके लिए प्रार्थना और उपवास के लिए अपने लोगों को लिखी चिट्ठी। दिल्ली के आर्क बिशप की चिट्ठी पर भड़के विनय कटियार, कहा ईसाइयों के बीच भ्रम पैदा करने की हो रही है कोशिश। गिरिराज सिंह की चेतावनी, कहा क्रिया की होती है प्रतिक्रिया, आर्क बिशप ने चिट्ठी लिखी और कहा देश के लिए प्रार्थना करो, लोकतंत्र खतरे में है। लेटर लिखने वाले आर्क बिशप के समर्थन में उतरी ममता बनर्जी, कहा बिशप ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। कोलकाता के अमेरिकन सेंटर के सामने अल्पसंख्यक समुदाय का प्रदर्शन, बीजेपी और मोदी विरोधी नारे लगाए गए। राजनाथ ने आशंकाओं को किया खारिज, का भारत में धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, अल्पसंख्यक पूरी तरह से सुरक्षित। सीमा पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग जारी, बीती रात भी सांबा के रामगढ़, जम्मू के अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में हुई फायरिंग। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा, अरनिया और अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी से दहशत, सीमावर्ती गांवों के 13 लोग घायल। भारत ने पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन का दिया मुंहतोड़ जवाब, अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान के वॉच टावर को उड़ाया। हरिद्वार में शहीद जवान दीपक नैनवाल को दी गई श्रद्धांजलि, कुलगाम में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हुए थे ढेर। देश भर में पेट्रोल के बढ़ते दाम के खिलाफ प्रदर्शन जारी, कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। आंध्र प्रदेश में महंगे पेट्रोल के खिलाफ टीडीपी कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, स्कूटर में आग लगाकर विरोध जताया। गुवाहाटी में भी महंगे पेट्रोल डीजल का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। IOCL चेयरमैन ने पेट्रोलियम पदार्थों को GST के अंदर लाने की मांग की, कहा बढ़ती कीमतों को लेकर फिलहाल सरकार से कोई निर्देश नहीं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कहा बढ़ते दामों पर सरकार गंभीर, 2 से 4 दिन में निकलेगा समाधान। कांग्रेस ने पेट्रोल के बढ़ते दाम पर बीजेपी को घेरा, पवन खेड़ा ने बीजेपी शासित राज्यों में वैट घटाने की मांग की।
यूपी के तीन बीजेपी विधायकों को व्हाट्सएप के जरिए मिली धमकी, खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन कहने वाले मांगे 10-10 लाख रुपए। बीजेपी विधायक वीर विक्रम सिंह, शशांक त्रिवेदी और डॉक्टर अनीता लोधी को धमकी के मामले में पुलिस के साथ एसआईटी भी कर रही है जांच, जल्द मामला सुलझाने का दावा। फिरोजाबाद कोर्ट ने एसपी विधायक हरिओम यादव और उनके बेटे को भेजा जेल, बीजेपी नेता पर हत्या करवाने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे थे। इलाहाबाद में विधायक के भतीजे की गाड़ी उठाने वाला सब इंस्पेक्टर सस्पेंड, बैक करते वक्त गाड़ी की बाइक से हुई थी टक्कर। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट प्लांट में के खिलाफ प्रदर्शन में हिंसा, पुलिस के साथ हिंसक झड़प, 9 लोगों की मौत। सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख और घायलों के लिए 3 लाख मुआवजे का ऐलान किया। स्टरलाइट प्लांट को बंद करने की मांग पर अड़े हैं लोग। स्टालिन ने तूतीकोरिन की घटना को पुलिस की बर्बरता बताया, आज तूतीकोरिन जाएंगे। केरल में निपा वायरस के 2 और मरीज आए सामने, अब तक 10 लोगों की मौत। पटना में लालू यादव के घर पहुंची सीबीआई की टीम, नोटबंदी के दौरान अवामी कोऑपरेटिव बैंक में जमा किए रुपयों पर राबड़ी देवी से हुई पूछताछ। इलाज के लिए पटना से मुंबई पहुंचे लालू यादव, बेटे तेज प्रताप, बहू ऐश्वर्या और बेटी मीसा भी साथ। यूपी में 2 शादी करने वाले नहीं बन पाएंगे इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, योगी कैबिनेट का फैसला। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इस्लामिक टेररिज्म कोर्स के प्रस्ताव पर विवाद, जमायत उलेमाए हिंद ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। हरियाणा के जेल मंत्री कृष्ण लाला पंवार के गुरमीत राम रहीम से मिलने पर सवाल, मंत्री ने अपना रूटीन जेल दौरा बताया। उत्तराखंड के पौड़ी में जंगलों की आग ने लिया विकराल रूप, आग बुझाने के लिए मौजूदा संसाधन नाकाफी। कश्मीर में सुंदरबानी के जंगलों में भी आग लगी, 3 अलग अलग जगहों पर लगी है आग। गुजरात के नवसारी में लोगों पर हमला करने वाला लंगूर पकड़ा गया, 19 लोगों को हमला कर घायल कर चुका था। शिमला दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद ने अपने पोते और पोती के लिए खरीदी किताब, शॉप में क्रेडिट कार्ड से किया पेमेंट। मुंबई में देर रात रफ्तार का कहर, साइन फ्लाईओवर के पास जेसीबी से टक्कर में बाइक सवार की मौत। पोल से टक्कर के बाद ट्रक क्षतिग्रस्त, ड्राइवर क्लीनर को मामूली चोटें। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में दिन दहाड़े लूटपाट, हथियारबंद बदमाशों ने घरवालों को बंधक बनाकर 8 लाख रुपए लूटे। लूट के बाद भागते वक्त बाइक सवार बदमाश सीसीटीवी में कैद, सफारी मिलने की बात कहकर निकाल लिया था पिस्टल। मुंबई के गोवंडी इलाके में इमारत का हिस्सा गिरा, 1 की मौत, 1 घायल। अलीगढ़ में एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर, पुलिस के मुताबिक 100 से ज्यादा हत्या के मामलों में थी तलाश। मेरठ में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर दी जान, कमरे से महिला और छत से युवक का शव बरामद। 3 बच्चों की मां का युवक से चल रहा था प्रेम प्रसंग, सुसाइड की वजह साफ नहीं, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में 5 दिन पहले हुए ग्राम प्रधान मर्डर केस की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कन्नौज में दहेज को लेकर पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान महिला की मौत। सास और ससुर पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप, शादी के बाद से ही दहेज को लेकर करते थे प्रताड़ित। उत्तराखंड के मसूरी में एक महिला ने जमकर किया हंगामा, मॉल रोड पर गाड़ी ले जाने से रोकने पर पुलिस वालों के साथ की हाथापाई। महिला के साथ उसकी बेटी ने भी पुलिस के साथ की बदतमीजी, पुलिस ने दोनों के खिलाफ दर्ज किया केस। पटना में चेकिंग के दौरान छात्रा के साथ बदसलूकी पर भड़के लोग, ड्राइवर पर लड़की का जबरन हाथ पकड़ने का आरोप। पटना में बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 18 बाइक के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट, सिगरेट पीने से रोकने पर भड़के बाइक सवार। लाठी डंडे से मारपीट में पेट्रोल कर्मचारियों के हाथ टूटे, सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। 12 जून को किम जोंग ट्रंप मुलाकात में हो सकती है थोड़ी देरी, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून से मुलाकात के बाद बोले ट्रंप। वॉशिंगटन में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति से मिले ट्रंप, किम जोंग ने ट्रंप से मुलाकात का कार्यक्रम रद्द करने की दी है धमकी। नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट साइट को अब तक नष्ट नहीं किया है, कवरेज के लिए पहुंचे विदेशी पत्रकार, बुलावे का कर रहे इंतजार। अफगानिस्तान के कंधार में जबरदस्त ब्लास्ट हमले में 4 जवानों समेत 16 लोगों की मौत, 38 घायल। सीरिया की राजधानी दमिश्क के आतंकी मुक्त होने के बाद जश्न, सीरियाई सेना के जवानों ने हवा में हाथ लहराते हुए की नारेबाजी। इंडोनेशिया के जावा में माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटने का अलर्ट जारी, 3 किलोमीटर के दायरे में लोगों से घर खाली करने के लिए कहा गया। रिकॉर्ड 7वीं बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची चेन्नई, हैदराबाद को रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से हराया। चेन्नई की ओर से डुप्लेसी ने सबसे ज्यादा 67 रन बनाए, हैदराबाद ने 140 रनों का दिया था लक्ष्य। जीत के बाद धोनी ने की डुप्लेसिस की तारीफ, कहा मुश्किल पिच पर खेली बेहतरीन पारी। विलियमसन ने हार के लिए बल्लेबाजों को ठहराया जिम्मेदार, कहा 20 रन अधिक होते तो नतीजा कुछ और होता। आईपीएल के एलिमिनेटर में आज कोलकाता की भिड़ंत राजस्थान से, जीतने वाली टीम दूसरे क्वालिफायर में हैदराबाद से भिड़ेगी। महिला T20 प्रदर्शनी मैच में सुपरनोवास ने ट्रेल ब्रेजर्स को रोमांचक मुकाबले में हराया, आखिरी गेंद पर मिली जीत। SBI को आखिरी तिमाही में बड़ा नुकसान, 7,718 करोड़ का हुआ घाटा। भूषण स्टील और टाटा डील पर रोक से NCLAT का इनकार, अधिग्रहण को लेकर हफ्ते भर में मांगा जवाब। जेट एयरवेज का ऑफर, 967 रुपए में लीजिए हवाई उड़ान का मजा।
मेक इन इंडिया पर सरकार हुई सख्त, पीपीपी की अनदेखी की वजह से 11,000 करोड़ से ज्यादा के टेंडर रद्द। विद्या बालन की तुम्हारी सुल्लू के लिए आईफा में मिले सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस, 22 से 24 जून तक बैंकॉक में होगा आईफा का आयोजन। फिल्म सूरमा का नया पोस्टर रिलीज, पोस्टर में दिलजीत के दिखे लुक, 13 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म। फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण के प्रमोशन में जुटे जॉन इब्राहिम, दिल्ली में किया प्रमोशन, फिल्म 25 मई को होगी रिलीज। बांग्लादेश में रोहिंग्याओं के कैंप में गई प्रियंका चोपड़ा, लोगों से मुलाकात करने के बाद भावुक पोस्ट शेयर किया। बेटी श्वेता के साथ एड की शूटिंग के बाद बोले अमिताभ, श्वेता को परिवार की सबसे बेहतरीन अदाकारा बताया। झाने का दावा। फिरोजाबाद कोर्ट ने एसपी विधायक हरिओम यादव और उनके बेटे को भेजा जेल, बीजेपी नेता पर हत्या करवाने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे थे। इलाहाबाद में विधायक के भतीजे की गाड़ी उठाने वाला सब इंस्पेक्टर सस्पेंड, बैक करते वक्त गाड़ी की बाइक से हुई थी टक्कर। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट प्लांट में के खिलाफ प्रदर्शन में हिंसा, पुलिस के साथ हिंसक झड़प, 9 लोगों की मौत। सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख और घायलों के लिए 3 लाख मुआवजे का ऐलान किया। स्टरलाइट प्लांट को बंद करने की मांग पर अड़े हैं लोग। स्टालिन ने तूतीकोरिन की घटना को पुलिस की बर्बरता बताया, आज तूतीकोरिन जाएंगे। केरल में निपा वायरस के 2 और मरीज आए सामने, अब तक 10 लोगों की मौत। पटना में लालू यादव के घर पहुंची सीबीआई की टीम, नोटबंदी के दौरान अवामी कॉर्पोरेटिव बैंक में जमा किए रुपयों पर राबड़ी देवी से हुई पूछताछ। इलाज के लिए पटना से मुंबई पहुंचे लालू यादव, बेटे तेज प्रताप, बहू ऐश्वर्या और बेटी मीसा भी साथ। यूपी में 2 शादी करने वाले नहीं बन पाएंगे इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, योगी कैबिनेट का फैसला। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इस्लामिक टेररिज्म कोर्स के प्रस्ताव पर विवाद, जमायत उलेमाए हिंद ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। हरियाणा के जेल मंत्री कृष्ण लाला पंवार के गुरमीत राम रहीम से मिलने पर सवाल, मंत्री ने अपना रूटीन जेल दौरा बताया। उत्तराखंड के पौड़ी में जंगलों की आग ने लिया विकराल रूप, आग बुझाने के लिए मौजूदा संसाधन नाकाफी। कश्मीर में सुंदरबानी के जंगलों में भी आग लगी, 3 अलग अलग जगहों पर लगी है आग। गुजरात के नवसारी में लोगों पर हमला करने वाला लंगूर पकड़ा गया, 19 लोगों को हमला कर घायल कर चुका था। शिमला दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद ने अपने पोते और पोती के लिए खरीदी किताब, शॉप में क्रेडिट कार्ड से किया पेमेंट। मुंबई में देर रात रफ्तार का कहर, साइन फ्लाईओवर के पास जेसीबी से टक्कर में बाइक सवार की मौत। पोल से टक्कर के बाद ट्रक क्षतिग्रस्त, ड्राइवर क्लीनर को मामूली चोटें। दिल्ली के तिलकनगर इलाके में दिन दहाड़े लूटपाट, हथियारबंद बदमाशों ने घरवालों को बंधक बनाकर 8 लाख रुपए लूटे। लूट के बाद भागते वक्त बाइक सवार बदमाश सीसीटीवी में कैद, सफारी मिलने की बात कहकर निकाल लिया था पिस्टल। मुंबई के गोवंडी इलाके में इमारत का हिस्सा गिरा, 1 की मौत, 1 घायल। अलीगढ़ में एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर, पुलिस के मुताबिक 100 से ज्यादा हत्या के मामलों में थी तलाश। मेरठ में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर दी जान, कमरे से महिला और छत से युवक का शव बरामद। 3 बच्चों की मां का युवक से चल रहा था प्रेम प्रसंग, सुसाइड की वजह साफ नहीं, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में 5 दिन पहले हुए ग्राम प्रधान मर्डर केस की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कन्नौज में दहेज को लेकर पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान महिला की मौत। सास और ससुर पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप, शादी के बाद सही दहेज को लेकर करते थे प्रताड़ित। उत्तराखंड के मसूरी में एक महिला ने जमकर किया हंगामा, मोल रोड पर गाड़ी ले जाने से रोकने पर पुलिस वालों के साथ की हाथापाई। महिला के साथ उसकी बेटी ने भी पुलिस के साथ की बदतमीजी, पुलिस ने दोनों के खिलाफ दर्ज किया केस। पटना में चेकिंग के दौरान छात्रा के साथ बदसलूकी पर भड़के लोग, ड्राइवर पर लड़की का जबरन हाथ पकड़ने का आरोप। पटना में बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 18 बाइक के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट, सिगरेट पीने से रोक मिली। डीएमके नेता स्टालिन भी कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण में नहीं आएंगे, तूतीकोरिन में पुलिस झड़प में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने जाएंगे। अशोक चव्हाण ने कर्नाटक में एक मंच पर विपक्ष के एकजुट होने को सही ठहराया, कहा 2019 का चुनाव बीजेपी वर्सेस बाकी पार्टी होगा। बीजेपी आज कर्नाटक में मनाएगी काला दिवस, कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को जनादेश के खिलाफ बताया, गांधी मूर्ति के आगे प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे येदियुरप्पा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा विपक्ष के एकजुट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2019 में मिलेगी ज्यादा सीटें। कर्नाटक के विजयपुरा में वीवीपैट मशीन मिलने पर येदियुरप्पा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी, विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कुमार स्वामी की शपथ पर रोक लगाने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार किया, हिंदू महासभा ने दाखिल की है याचिका। आज सुबह 10:30 बजे मोदी कैबिनेट की होगी बैठक, पेट्रोल डीजल के दामों पर हो सकती है चर्चा। मोदी सरकार के 4 साल पर मेगा जश्न की तैयारी, 26 मई से 11 जून तक देश भर में कार्यक्रम करेगी बीजेपी। 26 मई को दिल्ली में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जश्न की शुरुआत, सरकार की चौथी वर्षगांठ पर ओडिशा में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। राहुल गांधी ने कांग्रेस संगठन में किया बड़ा बदलाव, रजनी पाटिल को हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया, जितेंद्र बघेला और विश्व रंजन गुजरात के सचिव बने।
दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार कमेटी के हेड होंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने स्थानीय चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों को धमकी मिलने का आरोप लगाया। दूसरे राज्य में भाग रहे कार्यकर्ता। बंगाल हिंसा पर एनएचआरसी के सवाल उठाने पर बोले केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, एक घंटे तक हाथ पर हाथ धरे खड़ी थी पुलिस, ममता पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। कैराना उपचुनाव का प्रचार करने पहुंचे योगी का अखिलेश पर बड़ा हमला, कहा मुजफ्फरनगर दंगों के खून से रंगे हैं अखिलेश के हाथ। कैराना लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार तेज, आरएलडी ने जिन्ना नहीं गन्ना का नारा दिया। आज महाराष्ट्र के पालघर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करने जाएंगे सीएम योगी, विरार में रैली को करेंगे संबोधित। शिवसेना ने भी पालघर उपचुनाव में झोंकी पूरी ताकत, आज नाला सुपारा में उद्धव ठाकरे भी करेंगे जनसभा। महाराष्ट्र में उपचुनाव और विधान परिषद चुनाव को लेकर शिवसेना बीजेपी की तलखी बढ़ी, बीजेपी ने धोखा देने का आरोप लगाया, शिवसेना का पलटवार। देश के हालात पर चिट्ठी लिखने वाले आर्क बिशप अनिल कटू की सफाई, कहा किसी दल के लिए नहीं देश के फायदे के लिए चिट्ठी लिखी। आर्क बिशप ने कहा देश में हालात अच्छे हों इसके लिए प्रार्थना और उपवास के लिए अपने लोगों को लिखी चिट्ठी। दिल्ली के आर्क बिशप की चिट्ठी पर भड़के विनय कटियार, कहा ईसाइयों के बीच भ्रम पैदा करने की हो रही है कोशिश। गिरिराज सिंह की चेतावनी, कहा क्रिया की होती है प्रतिक्रिया, आर्क बिशप ने चिट्ठी लिखी और कहा देश के लिए प्रार्थना करो, लोकतंत्र खतरे में है। लेटर लिखने वाले आर्क बिशप के समर्थन में उतरी ममता बनर्जी, कहा बिशप ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। कोलकाता के अमेरिकन सेंटर के सामने अल्पसंख्यक समुदाय का प्रदर्शन, बीजेपी और मोदी विरोधी नारे लगाए गए। राजनाथ ने आशंकाओं को किया खारिज, कहा भारत में धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, अल्पसंख्यक पूरी तरह से सुरक्षित। सीमा पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग जारी, बीती रात भी सांबा के रामगढ़, जम्मू के अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में हुई फायरिंग। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा, अरनिया और अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर। पटना में लालू यादव के घर पहुंची सीबीआई की टीम, नोटबंदी के दौरान अवामी कॉर्पोरेटिव बैंक में जमा किए रुपयों पर राबड़ी देवी से हुई पूछताछ। इलाज के लिए पटना से मुंबई पहुंचे लालू यादव, बेटे तेज प्रताप, बहू ऐश्वर्या और बेटी मीसा भी साथ। यूपी में दो शादी करने वाले नहीं बन पाएंगे इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, योगी कैबिनेट का फैसला। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इस्लामिक टेररिज्म कोर्स के प्रस्ताव पर विवाद, जमायत उलेमाए हिंद ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। हरियाणा के जेल मंत्री कृष्ण लाला पंवार के गुरमीत राम रहीम से मिलने पर सवाल, मंत्री ने अपना रूटीन जेल दौरा बताया। उत्तराखंड के पौड़ी में जंगलों की आग ने लिया विकराल रूप, आग बुझाने के लिए मौजूदा संसाधन नाकाफी। कश्मीर में सुंदरवानी के जंगलों में भी आग लगी, तीन अलग अलग जगहों पर लगी है आग। गुजरात के नवसारी में लोगों पर हमला करने वाला लंगूर पकड़ा गया, 19 लोगों को हमला कर घायल कर चुका था। शिमला दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद ने अपने पोते और पोती के लिए खरीदी किताब, शॉप में क्रेडिट कार्ड से किया पेमेंट। मुंबई में देर रात रफ्तार का कहर, साइन फ्लाईओवर के पास जेसीबी से टक्कर में बाइक सवार की मौत। पोल से टक्कर के बाद ट्रक क्षतिग्रस्त, ड्राइवर क्लीनर को मामूली चोटें। दिल्ली के तिलकनगर इलाके में दिन दहाड़े लूटपाट, हथियारबंद बदमाशों ने घरवालों को बंधक बनाकर 8 लाख रुपए लूटे। लूट के बाद भागते वक्त बाइक सवार बदमाश सीसीटीवी में कैद, सफारी मिलने की बात कहकर निकाल लिया था पिस्टल। मुंबई के गोवंडी इलाके में इमारत का हिस्सा गिरा, एक की मौत एक घायल। अलीगढ़ में एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर, पुलिस के मुताबिक 100 से ज्यादा हत्या के मामलों में थी तलाश। मेरठ में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर दी जान, कमरे से महिला और छत से युवक का शव बरामद। तीन बच्चों की मां का युवक से चल रहा था प्रेम प्रसंग, सुसाइड की वजह साफ नहीं, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में 5 दिन पहले हुए ग्राम प्रधान मर्डर केस की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कन्नौज में दहेज को लेकर पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान महिला की मौत। सास और ससुर पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप, शादी के बाद सही दहेज को लेकर करते थे प्रताड़ित। उत्तराखंड के मसूरी में एक महिला ने जमकर किया हंगामा, मोहल रोड पर गाड़ी ले जाने से रोकने पर पुलिस वालों के साथ की हाथापाई। महिला के साथ उसकी बेटी ने भी पुलिस के साथ की बदतमीजी, पुलिस ने दोनों के खिलाफ दर्ज किया केस। पटना में चेकिंग के दौरान छात्रा के साथ बदसलूकी पर भड़के लोग, ड्राइवर पर लड़की का जबरन हाथ पकड़ने का आरोप। पटना में बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 18 बाइक के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट, सिगरेट पीने से रोकने पर भड़के बाइक सवार। लाठी डंडे से मारपीट में पेट्रोल कर्मचारियों के हाथ टूटे, सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। 12 जून को किम जोंग ट्रंप मुलाकात में हो सकती है थोड़ी देरी, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून से मुलाकात के बाद बोले ट्रंप। वाशिंगटन में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति से मिले ट्रंप, किम जोंग ने ट्रंप से मुलाकात का कार्यक्रम रद्द करने की दी है धमकी। नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट साइट को अब तक नष्ट नहीं किया है, कवरेज के लिए पहुंचे विदेशी पत्रकार, बुलावे का कर रहे इंतजार। अफगानिस्तान के कंधार में जबरदस्त ब्लास्ट हमले में 4 जवानों समेत 16 लोगों की मौत, 38 घायल। सीरिया की राजधानी दमिश्क के आतंकी मुक्त होने के बाद जश्न, सीरियाई सेना के जवानों ने हवा में हाथ लहराया।